राशन की दुकान पे जो राशन मिलता है वो बंद हो जाएगा। चौथा इससे जुड़ा हुआ डर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो खेती की सरकार बात कर रही है उससे तो किसान बंधक हो जाएगा कंपनी का, कंपनियों के पास वकील होंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, किसान कैसे उसके साथ डील करेगा। और पांचवा कि जमाखोरी के ऊपर जो कुछ भी रोक टोक आज है वो भी बंद हो जाएगी। तो ये पांच बंदियां हैं जो किसान को नुकसान पहुंचाएंगी। किसान को लगता है कि मेरा तो आने वाली पीढ़ियों के अंदर मैं तो बंद हो जाऊंगा, इसलिए किसान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। पंजाब के साथियों का हमें धन्यवाद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कानून खासतौर पर पंजाब के विरुद्ध है, जो नुकसान पंजाब का होगा वो नुकसान हरियाणा का भी होगा, वो राजस्थान का भी होगा, लेकिन पंजाब के किसानों ने पहली अपनी आवाज़ उठाई है, उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए। और अब ये जागृति पूरे देश में फैल रही है और ये बात आगे बढ़ रही है। जैसा कि आपके अनुसार जन आंदोलन बन चुका है किसान आंदोलन, और सरकार इसको राजनीतिक रूप दे रही है, राजनीतिक मोड़ कर दे कि भाई राजनीति इसमें हो रही है, तो उस पर आप क्या? सरकार की कोशिश है जी। मजे की बात है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि लोग राजनीति कर रहे हैं, भाई तुम नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कि ये आंदोलन ना किसी पार्टी के बनाए से बना, ना किसी पार्टी के चलाए से। अगर कांग्रेस पार्टी में यही दम होता, औकात होती लाखों किसानों को दिल्ली के बाहर खड़ा होने की, तो कांग्रेस पार्टी 50 सीट लेके लोकसभा में बैठी होती कोई? उनकी हिम्मत नहीं है। ये किसानों के दम पे खड़ा हुआ है, किसानों के दम पे चल रहा है। जब भारत बंद किया तो हमने तमाम पार्टियों से समर्थन मांगा, उनको धन्यवाद भी किया और इतना कहा कि भाई अपना झंडा छोड़ दिया। और यही बात आज के लिए भी लागू है कि किसी भी पार्टी के लोग आए, मैं तो चाहता हूँ बीजेपी के लोग भी आए, अपना झंडा छोड़ के आओ, मंच पे अपनी पार्टी की बात मत करो, बाकी बिल्कुल किसान बन के कोई भी व्यक्ति आए इसको सपोर्ट करे, बहुत अच्छी बात है। किसान अभिभावक है हिंदुस्तान का, और भारत माता की जय जब लगती है तो भारत माता जमीन है, धरती है जिस पर अन्न उगता है और पूरा देश उस पर निर्भर रहता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे किसान बंधु है अभिभावक है देश के, तो उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, इतने दिन लंबा संघर्ष भी चल रहा है, पता नहीं कितने दिन भी चले, तो संघर्ष कब तक चलेगा और इनकी क्या आगे रहने वाला है, गवर्नमेंट क्या इसको देखते हैं? देखिए ये एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक संघर्ष है किसान का। पिछली बार 32 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आए थे, तब ऐसा संघर्ष हमने देखा। 32 साल के बाद ये संघर्ष बना और किसान को ये बात समझ आ गई कि ये लड़ाई किसान हार नहीं सकता। अगर ये लड़ाई किसान हार गया तो अगली पूरी एक पीढ़ी किसान खड़ा नहीं हो पाएगा, ये आखिरी लड़ाई है। इस बार तो किसान जीतेगा ही, इसमें हारने का रास्ता है ही नहीं, ये सोच रखा है, संघर्ष है। सरकार ने सब तिकड़म करके देखी, अब सरकार को लगता है थका देगी, लेकिन मैं बताता हूँ जैसे जैसे दिन बीत जा रहे हैं वैसे वैसे ये आंदोलन और मजबूत हो रहा है, और लोग जुड़ रहे हैं। आज दक्षिण का मोर्चा खुला, कल को और भी मोर्चे खुलेंगे, गांव-गांव में मोर्चे खुलेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। सर अभी भी MSP कहीं ना कहीं जो शहरों में लोग हैं उनकी समझ में नहीं आती, उसका सुंदर से वो कर रहे हैं। एक शहर के लोगों को MRP का पता होता है। MRP क्या होता है कि सरकार तय कर देती है कि भाई फला चीज़ है, फला डिबिया, वैसे दुकानदार फ्री है कोई चीज़ कैसे भी बेचे, लेकिन फला चीज़ इससे कम में इससे ज़्यादा में बिक नहीं सकती। किसान के लिए बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, उल्टी है कि इससे कम में किसान की कोई चीज़ बिकनी नहीं चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो सरकार कहती है, हर साल सरकार फसल से पहले डिक्लेयर कर देती है, गेहूं के लिए 1925 रुपये मान लो डिक्लेयर कर देती है, तो सरकार कह रही है कि भाई किसान को अगर 1925 रुपये से कम मिला प्रति क्विंटल तो इसका मतलब है किसान बच नहीं पाए, इतना न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए, नहीं तो सरकार उसको समर्थन देगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, सरकार डिक्लेरेशन कर देती है, थोड़ा सा गेहूं और चावल खरीद लेती है और उसके बाद सरकार सो जाती है। और न्यूनतम से बहुत नीचे मक्की की फसल में इस साल न्यूनतम था 1850 रुपये क्विंटल, और पता है कितने में बिकी? 900 रुपये में बिकी, 1000 रुपये में मक्की बिकी, कही गए तो 700 रुपये में मक्की बिकी। सरकार क्या कर रही थी? कुछ नहीं कर रही थी, सरकार सो रही थी। तो इसलिए किसान कहता है कि हमें अपने दाम की आप गारंटी दें, कि हमें किसान को दान नहीं चाहिए, दाम चाहिए, फसल का दाम दे दो, गारंटी से दे दो। सरकार जो भी घोषणा करती है, सरकार ने जैसी भी अच्छी बुरी घोषणा की, वैसे तो घोषणा भी बेहतर होनी चाहिए, हम तो कहते हैं जो भी आपने घोषणा कर दी अब आप ये सुनिश्चित कर दो कि वो घोषणा हमें मिल जाए, बस यही हम चाहते हैं, इसी के लिए सरकार।